चलो तुम लोग को एक छोटी सी बात अभी से इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट उनको एक दिमाग में रहे कि जो भी हम कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वेरी फर्स्ट थिंग, देर इज वन फैमिली ऑफ चैप्टर्स, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये जो चार चैप्टर्स है ना, फोर चैप्टर्स, इनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इन चारों चैप्टर्स में क्वेश्चंस, कई क्वेश्चन कॉमन होते हैं, कई कंसेप्ट कॉमन होते हैं। कि सर सेम क्वेश्चन मुझे सर्किल में पूछा गया, सेम क्वेश्चन मुझे पैराबोला में पूछा गया, सेम हाइपरबोला में, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर्स बिल्कुल आपस में रिलेटेड हैं। मतलब किसी को सर्कल्स में प्रॉब्लम है तो वो पैराबोला में उसको प्रॉब्लम रिमूव करने का पूरा मौका मिलेगा। देख, सेम आइडियाज, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चन यू विल फेस हियर, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन यू विल फेस हियर। तो चार मौके मिलते हैं, ठीक है। तो ये चारों चैप्टर्स बहुत आसानी से ग्रिप में लिए जा सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट, दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक। तो ये एक पूरा स्कोरिंग पार्ट हो जाता है। और अगर इस फैमिली को पूरा जोड़ू ना मैं, कि सर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन हो जाते होंगे, तो जितने नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखे हैं ना, इतने ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। कि आउट ऑफ 20 लगभग हर से एक एक क्वेश्चन आने के तो चांसेस मिनिमम होते हैं, है ना। मे बी कि सर हाइपरबोला आया ही नहीं इस साल, लेकिन एलिप्स से दो आए थे, समझ गए। तो बहुत अच्छा वेटेज रखता है, तो यू कैन ईजिली स्कोर, ओके। तो अगर तुम रिलेशन सिलेक्शन पर फोकस हो ना कि मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए, तो बी केयरफुल, एकदम केयरफुल होकर के बी अटेंटिव और ग्रिप में लो या चैप्टर को। और जब इनको ग्रिप में ले रहा होगा ना, तो यू विल गेट टू नो कि सर स्ट्रेट लाइन अपने आप ग्रिप में आ गया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की वो पैरामेट्रिक फॉर्म, वो इमेज फॉर्मूला, वो सब इनमें लगते रहेंगे। स्ट्रेट लाइन एक तरीके से जैसे कह सकते हैं कि तुम बिल्डिंग ब्लॉक है। सर इन सारे चैप्टर्स में स्ट्रेट लाइन के छोटे छोटे कंसेप्ट काम आते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस,